हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के थर्ड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, अर्थात द सीक्रेट मीन्स रहस्य, ऑफ हेल्थ माने स्वास्थ्य, सक्सेस मीन्स सफलता एंड पावर मीन्स शक्ति। अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। चैप्टर के राइटर हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन एक ब्रिटिश फिलोसफिकल राइटर थे। 1864 को उनका जन्म हुआ था, और क्योंकि वो फिलोसफिकल राइटर थे तो उनकी जो जितनी भी राइटिंग्स थी वो सारी इंस्पायरेशनल थी। जितनी पोएट्री उन्होंने लिखी है, जितनी प्रोज उन्होंने लिखी है, जितना फिक्शन उन्होंने लिखा है, वो सारा इंस्पायरेशनल होता था और सेल्फ मोटिवेशन उनसे मिलता था। उनके जो एसेज थे उनमें ग्रेट मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती थी। नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने लिखी हैं। उनका जो बेस होता था राइटिंग का वो ह्यूमन लाइफ और कंडक्ट होता था। उसी कुछ फेमस बुक्स रही हैं, जैसे फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, एज ए मैन थिंकेथ, बाय वेज ऑफ ब्लेसनेस एंड मास्टरी ऑफ डेस्टिनी। ये उनकी कुछ बहुत ही फेमस बुक रही है। और जो प्रेजेंट एसे है आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये भी उनकी जो फेमस बुक थी फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, उसका एक्सट्रैक्ट है, उससे लिया गया है। इसमें राइटर बताता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफलता के लिए और शक्ति के लिए आपको क्या क्या करना है, आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिनसे आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो और जिनसे आप अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ सफलता और शक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन, पैराग्राफ वन बाय वन चलते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। राइटर कहता है इसमें, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज पावर। देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। इन सच ए मैन डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लोन्समेंट, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। क्या कहता राइटर? राइटर कहता वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मीन्स होता है दृढ़, फेथ मीन्स होता है विश्वास, कि जहाँ दृढ़ विश्वास है एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, अनकम्प्रोमाइजिंग माने कभी समझौता ना करने वाली, अर्थात निरंतर। प्योरिटी मीन्स गुणों की शुद्धता। राइटर कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास होता है और गुणों की शुद्धता होती है, देयर इज हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य होता है, देयर इज सक्सेस, वहाँ सफलता होती है, देयर इज पावर, वहाँ शक्ति होती है। यानी ऐसे व्यक्ति में जिसमें दृढ़ विश्वास होता है और गुणों की शुद्धता होती है, ऐसे व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के पास सफलता भी होती है और ऐसा व्यक्ति शक्ति का मालिक भी होता है। इन सच ए मैन डिजीज, फेलियर। राइटर कहता है कि इस तरह के व्यक्ति में, डिजीज मीन्स बीमारी, फेलियर मीन्स असफल होती है, एंड डिजास्टर मीन्स विपत्ति, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, लॉजमेंट मीन्स होता है स्थान, कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो बीमारी है वो असफल हो जाती है और विपत्ति, कोई स्थान नहीं मिलता
ऐसे व्यक्ति के पास आकर के बीमारी असफल हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को बीमारी हो ही नहीं सकती और विपत्ति को कोई स्थान नहीं मिलता फोर माने, क्योंकि देयर इज नथिंग, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा होता ही नहीं ऑन विच दे कैन फील, जिस पर वो पनप सके। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास होता है और गुणों की शुद्धता होती है, ऐसे व्यक्ति के पास सफलता, शक्ति और स्वास्थ्य तो होता ही है। ऐसे व्यक्ति में जो बीमारी होती है वो फेल्योर होती है और विपत्ति को कोई स्थान नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं जिस पर बीमारी पनप सके या जिस पर ये चीज़ें पनप सके। क्या कहता है राइटर नेक्स्ट पैराग्राफ में, द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स। राइटर कहता है द सूनर वी रियलाइज कि जितनी जल्दी हम इस चीज़ को पहचान लेंगे, महसूस कर लेंगे, रियलाइज मीन्स महसूस करना, एंड एक्नॉलेज और पहचान लेंगे, क्या कि जितनी जल्दी हम इस बात को पहचान लेंगे दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर एरर, कि सिकनेस मीन्स बीमारी, द रिजल्ट परिणाम है ऑफ आवर ओन एरर, हमारी अपनी गलतियों का, एरर मीन्स गलतियाँ, और सिन मीन्स पापों का, कि जितनी जल्दी हम इस बात को पहचान लें कि बीमारी हमारी अपनी गलती और पापों का परिणाम है, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी शीघ्र ही हम हाईवे ऑफ हेल्थ पर चढ़ जाएंगे, यानी स्वास्थ्य के मार्ग पर चढ़ जाएंगे। राइटर क्या कहता है, डिजीज कम टू दोज, बीमारी उन लोगों को आती है वो अट्रैक्ट इट्स, जो इसको आकर्षित करते हैं, बीमारी वो लोग होते हैं जो बीमारी को आकर्षित करते हैं, टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज, उन व्यक्तियों को होती है जिनके मन और शरीर आर रिसेप्टिव टू इट, रिसेप्टिव मीन्स स्वीकार करने वाले होते हैं, रिसेप्ट करने वाले होते हैं, बीमारी उन लोगों को होती है जो उसे आकर्षित करते हैं, जिनके मन और शरीर उसको ग्रहण करने वाले होते हैं, एंड फ्लीज, फ्लीज मीन्स भाग जाती है, फ्रॉम दोज उन लोगों से हुज स्ट्रॉन्ग, जिनके दृढ़ प्योर शुद्ध एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर और सकारात्मक सोच, जिनके उन लोगों से दूर भाग जाते हैं जिनकी दृढ़ शुद्ध और सकारात्मक सोच शक्ति जनरेट्स मीन्स पैदा करती है, जनरेट मीन्स पैदा करती है हीलिंग लाइफ गिविंग करंट्स, जिनके उन लोगों से दूर भागती है जिनके दृढ़ शुद्ध और सकारात्मक सोच शक्ति हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स पैदा करती है, हीलिंग मीन्स उपचारात्मक, लाइफ गिविंग मीन्स जीवनदायिनी, हीलिंग मीन्स उपचारात्मक, लाइफ गिविंग मीन्स जीवनदायिनी करंट्स मीन्स धारा, उन लोगों से दूर भागती है जिनकी दृढ़ शुद्ध और सकारात्मक सोच शक्ति उपचारात्मक और जीवनदायिनी धारा उत्पन्न करती है, जनरेट करती है, ऐसे व्यक्तियों से बीमारी दूर भाग जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइटर कहना चाहता है कि आप यदि बीमार होते हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीमार वही व्यक्ति होते हैं जो बीमारी को आकर्षित करते हैं, जिनका शरीर और मन उसको रिसेप्ट करने वाला होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है राइटर, इफ़ यू आर गिवन टू एंगर वरी जेलस ग्रीड और एनी अदर इन हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind, such conditions of mind are carefully sent by the wise man, for he knows them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house. Kya kehta writer, if you are given to anger, anger means krodh, worry means chintaye, जेलस मीन्स घृणा, ग्रीड मीन्स लालच। क्या कहता है राइटर, इफ यू आर गिवन टू एंगर, कि यदि आप क्रोध के वशीभूत हो जाओगे, वरी चिंताओं के वशीभूत हो जाओगे, जेलस एक दूसरे से घृणा करने लगोगे, ग्रीड और लालच के वशीभूत हो जाओगे, और एनी अदर
इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड और अन्य किसी मन को असंतुलित करने वाली अवस्था के वशीभूत हो जाओगे एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। और आप परफेक्ट फिजिकल हेल्थ यानी संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की इच्छा रखोगे, कामना करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, अपेक्षा करोगे, तो राइटर कहता है यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल। तो आप इम्पॉसिबल की एक्सपेक्ट कर रहे हो, असंभव की अपेक्षा कर रहे हो, असंभव की आशा कर रहे हो। फॉर माने क्योंकि, यू आर कंटिन्यूली सोइंग क्योंकि आप लगातार बो रहे हैं द सीड ऑफ डिजीज बीमारी के बीज, इन योर माइंड अपने मन में, क्योंकि आप लगातार अपने मन में बीमारी के बीज बो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एंगर, वरी, जेलस, ग्रीड इनके सुपुर्द यदि कर दिया या किसी अन्य मन को असंतुलित करने वाली अवस्था के सुपुर्द कर दिया और फिर आप चाहें कि आप पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं क्योंकि आप लगातार अपने मन में क्या बीमारी के बीज बो रहे हैं। राइटर कहता है सच कंडीशन ऑफ माइंड मन की ऐसी अवस्थाओं को आर केयरफुल्ली सन्ड, केयरफुल्ली माने सावधानीपूर्वक, और सन मीन्स होता है अवॉइड करना, दूर रखना, बाय वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं को, कौन कौन सी को, एंगर, वरी, जेलस, ग्रीड और एनी अदर इन हारमोनियस स्टेट, इनको जो वाइज मैन होते हैं वो अपने से दूर रखते हैं, अवॉइड करते हैं इनको। फॉर माने क्योंकि ही नोज, क्योंकि वह जानता है दैम उन्हें टू बी फार मोर डेंजरस, वो इनको और भी अधिक खतरनाक मानता है देन ए ब्रेड ड्रेन और इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि जो वाइज पर्सन होता है, वाइज मैन होता है, वो इन अवस्थाओं को एक गंदी नाली और एक संक्रमित हाउस से, एक संक्रमित घर से भी अधिक खतरनाक मानता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसी मानसिक अवस्थाओं से, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो लालच हो, या अन्य कोई मन को असंतुलित करने वाली अवस्था हो, ऐसी अवस्थाओं को जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने से दूर रखता है क्योंकि उसको पता है कि ये एक गंदी नाली या एक संक्रमित घर से भी अधिक खतरनाक अवस्थाएँ होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है राइटर, इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हारमोनी देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हारमोनाइज योअर थाट्स, थिंक जॉयफुल थाट्स, थिंक लविंग थाट्स, लेट द एलेक्सर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रो योर वेन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेटर्स, योर सेल्फिश इंडलजेंस एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, योर ब्लीसियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एकिंग जॉइंट्स, इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दिस डेबिलेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट ऑफ माइंड देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस। क्या कहता है राइटर, इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, कि यदि आप सभी प्रकार के, फिजिकल एक्स मीन्स शारीरिक दर्द एंड पेन मीन्स पीड़ा, यदि आप सभी प्रकार के शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से फ्री होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हारमोनी एंड वुड इंजॉय और आनंद उठाना चाहते हैं परफेक्ट फिजिकल हारमोनी, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद उठाना चाहते हैं, तो क्या कहता है राइटर, राइटर कहता है व्हेन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने मन को क्या करना है आपको, पुट योर माइंड इन ऑर्डर, अपने मन को संतुलित करो एंड हार्मोनाइज योर थॉट और अपने विचारों को संतुलित करो, थिंक जॉयफुल आनंददायक विचार सोचो, थिंक लविंग थॉट्स प्रेम भरे विचार सोचो। क्या कहता है राइटर, राइटर कहता है लेट द एलेक्सिर, एलेक्सिर मीन्स होता है अमृत, ऑफ गुडविल मीन्स सदाचार, लेट द एलेक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रो योर वेन्स, थ्रो योर वेन्स माने अपनी नसों में, अपनी नसों में सदाचार रूपी अमृत को बहने दो। क्या कहता है, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, यदि आप अपने विचारों को संतुलित कर लोगे,
जॉयफुल थॉट्स को सोचोगे, इसके अलावा यदि आप लविंग थॉट्स को सोचोगे और सदाचार रूपी अमृत को अपनी नसों में बहने दोगे तो फिर आपको अन्य किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी। क्या कहता है राइटर? पुट अवे योर जेलस। क्या करना है आपको? पुट अवे योर जेलस, अपनी ईर्ष्याओं को दूर कर दीजिए। योर सस्पिशंस, अपने संदेहों को दूर कर दीजिए। योर वरीज, अपनी चिंताओं को अपने से दूर कर दीजिए। क्या कहता है? योर हेटर्स, अपनी घृणाओं को अपने से दूर कर दीजिए। योर सेल्फिश इंडल्जेंसीज, अपने स्वार्थ वाली भावनाओं को अपने से दूर कर दीजिए। यदि आप यू कर दोगे तो क्या करोगे? एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेशिया। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने डिस्पेशिया को दूर कर देंगे, मीन्स अपने कब्ज को अपने से दूर कर दोगे। और क्या कर दोगे? योर बिलीशियसनेस, योर नर्वसनेस, आप अपनी घबराहट को अपने से दूर कर दोगे। योर बिलीशियसनेस, अपनी लीवर संबंधी बीमारियों को अपने से दूर कर दोगे। योर नर्वसनेस, अपनी घबराहट को दूर कर दोगे। योर एचिंग जॉइंट्स, क्या करोगे आप? यदि आप ऐसा करोगे तो अपने घुटनों के, अपने जोड़ों के दर्द को अपने से दूर कर दोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये बीमारी पैदा करने वाली होती हैं। यदि आपने अपने से दूर इनको कर दिया तो इसका मतलब बहुत सारी बीमारियों को आप अपने से दूर कर दोगे। क्या कहता है? इफ़ यू विल परसिस्ट, आप देखें दूसरी बात कहता है, इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दिस डेबिलिएटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट ऑफ माइंड, इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग, यदि आप चिपके रहोगे टू दिस इन डेबिलिएटिंग मीन्स कमजोर करने वाले एंड डिमोरलाइजिंग मीन्स हतोत्साहित करने वाली हैबिट्स ऑफ माइंड माने मन की अवस्थाओं को, यदि आप इन कमजोर मन को कमजोर करने वाली और हतोत्साहित करने वाली मानसिक अवस्थाओं से चिपके रहोगे, क्लिंगिंग मीन्स चिपके रहना, क्लिंगिंग, परसिस्ट इन क्लिंगिंग, लगातार इनसे चिपके रहोगे, तो क्या कह रहा है? देन डू नॉट कंप्लेन, तो फिर शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, यदि आप इनसे चिपके रहोगे तो फिर आप किसी से शिकायत मत करना। यदि आपका शरीर बीमार पड़ जाता है, यदि आपके शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप खुद मानसिक अवस्थाओं के वशीभूत हैं, उनसे चिपके हुए हैं जो शरीर को कमज़ोर बनाती है और जो बीमारी होने का कारण होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर कहता है, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, टू बिकम एंग्जियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इन्वाइट ए ब्रेकडाउन। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कई बार एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, कई बार ये कॉम्प्रिहेंशन में आता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी एंड विद हिम माइंड ओटरली ओब्लियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एक्शियस बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ ए बून विच द अदर क्विकली फॉरफीट्स। क्या कहता है राइटर? मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेन मीन्स शिकायत करते हैं, क्या शिकायत करते हैं? दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, दे हैव ब्रोकन डाउन मीन्स उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, किससे? थ्रो ओवर वर्क, ज़्यादा काम करने से। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि ज़्यादा काम करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। राइटर क्या कहता है? इन द मेजोरिटी, मेजोरिटी मीन्स होता है अधिक मात्रा में, ऑफ सच केसेस माने ऐसे मामलों की अधिकता में द ब्रेकडाउन माने शरीर स्वास्थ्य का खराब होना इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट, किसका परिणाम होता है? मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। ऐसे अधिकांश केसों में शरीर का स्वास्थ्य का खराब होना मूर्खतापूर्ण ढंग से एनर्जी वेस्ट करना का परिणाम होता है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, कहता है कि इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट टू लर्न वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको बिना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स चिंता, तनाव,
तो आपको बिना तनाव के कार्य करना सीखना होगा। क्या कहता है राइटर? टू बिकम एक्सियस, एक्सियस मीन्स उत्सुक होना, उत्तेजित होना, और एक्साइटेड उत्तेजित होना, उत्सुक या उत्तेजित होना, और टू वरी और चिंतित होना, ओवर नीडनेस डिटेल अनावश्यक बातों के लिए, अनावश्यक बातों के लिए उत्सुक होना और उत्तेजित होना, इज टू इनवाइट, इनवाइट मीन्स आमंत्रण है, बेकार की बातों के लिए उत्सुक होना उत्तेजित होना इज इनवाइट टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन्स स्वास्थ्य खराब। यदि आप अनावश्यक बातों के लिए उत्तेजित और उत्सुक होते हैं तो इसका मतलब आप स्वास्थ्य खराब करने के को आमंत्रित कर रहे हैं, खराब स्वास्थ्य को आमंत्रित कर रहे हैं यदि आप ऐसा करते हैं। क्यों? राइटर कहता है इम्पोर्टेंट, मैंने बताया ना ऐसे, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कि कार्य चाहे मानसिक हो, ऑफ ब्रेन मीन्स मानसिक और बॉडी शारीरिक, कार्य चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, क्या होता है? लाभदायक होता है और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। कार्य चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, हमेशा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला और लाभदायक होता है। और क्या कहता है? एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी, और ऐसा व्यक्ति हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है, विद स्टडी मीन्स लगातार, एंड काम परसिस्टेंसी मीन्स शांत मन से, ऐसा व्यक्ति जो लगातार शांत मन से काम कर सकता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी, सभी प्रकार की एंजाइटी मीन्स उत्तेजनाओं से मुक्त होकर के काम कर सकता है, एंड वरी और सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के काम कर सकता है, और एंड माइंड ओब्लियस टू बट द वर्क ही है, जिन्हें अपना सारा ध्यान जो केवल जो उसके हाथों में कार्य है, जिस काम को वो कर रहा है उसी पर लगा रखता है, ऐसा व्यक्ति विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन, ऐसा व्यक्ति काम को केवल बेहतर ढंग से पूर्ण ही नहीं करेगा, हु इज ऑलवेज हरीड, जो हमेशा जल्दी में होता है, एंड एक्शियस, जो हमेशा जल्दी में होता है और उत्सुक होता है, उससे ज़्यादा अच्छे तरह काम ही नहीं करेगा, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। ए बून, बून मीन्स होता है आशीर्वाद, विच द अदर क्विकली फोर फाइट्स, कि ऐसा व्यक्ति काम को अच्छे तरीके से ही नहीं करेगा उस व्यक्ति से जो हमेशा जल्दबाजी में होता है, जो हमेशा उत्तेजित होता है, बल्कि रिटेन हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा, ए बून विच द अदर क्विकली फोर फाइट, उस आशीर्वाद को बनाए रखेगा, उस वरदान को, बून मीन्स वरदान, उस वरदान को बनाए रखेगा जिसको दूसरे लोग जल्दी ही खो देते हैं। तो इसका मतलब राइटर यहाँ क्या कहता है कि सारा ध्यान अपना कार्य पर लगाइए और बेकार की चीज़ें और उत्सुकता और उत्तेजनाएँ उनसे दूर रह करके शांत मन से सारा ध्यान अपने काम पर लगा करके काम करिए, तो आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा, आपका वरदान भी बना रहेगा जिसको दूसरे लोग जल्दी खो देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरट्विन द थॉट रियल बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड फेथ इन द सुप्रीम फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू विल वुड अचीव इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस द हाइएस्ट प्रम्प्टिंग विद इन यू टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट द इनवर्ड वॉइस एंड टू परस्यू योर पर्पज विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट नोविंग दैट लॉज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एक्सटीट्यूड दिस इज फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ By the power of such faith, the dark waters of uncertainty are divided, every mountain of difficulty crumbles away, and the believing soul passes on unharmed. क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है the true health and true success go together. राइटर कहता है कि the true health,
सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं। राइटर कहता है कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं, फॉर माने क्योंकि दे आर इनसेपरेबली इंटरट्विंड। इनसेपरेबल मीन जिनको सेपरेट ना किया जा सके, इंटरट्विंड मीन्स होता है जुड़ी हुई होती हैं, गुथी हुई होती हैं। इसका मतलब इनसेपरेबल मीन्स अभिन्न रूप से, इंटरट्विंड मीन्स जुड़ी हुई होती हैं, गुथी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ट्रू हेल्थ और ट्रू सक्सेस अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, द रियल का थॉट रियल विचारों के संसार में, क्योंकि सच्ची सफलता और सच्चा स्वास्थ्य विचारों के संसार में एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलती हैं। क्या कहता राइटर, बाय द पावर ऑफ फेथ, बाय द पावर ऑफ फेथ यानी विश्वास की शक्ति से, एवर एंड्यूरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड, विश्वास की शक्ति से हर कठिन कार्य अकम्प्लिश्ड पूरा हो जाता है, विश्वास की शक्ति से हर एंड्यूरिंग वर्क डिफिकल्ट का टास्क कंप्लीट हो जाता है। क्या कहता है, फेथ इन द सुप्रीम, क्या करना है आपको, ईश्वर में विश्वास करना है, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, ईश्वर के बनाए हुए नियमों में आपको विश्वास करना है, फेथ इन योर वर्क, आपको अपने कार्य में विश्वास करना, एंड फेथ इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और आपको क्या करना है, अपने कार्य करने की शक्ति में विश्वास करना है। आपको किस किस में विश्वास करना, फेथ इन द सुप्रीम, ईश्वर में विश्वास करना, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, ईश्वर के बनाए हुए कानून में विश्वास, नियमों में विश्वास करना, फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास करना, एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और उस कार्य को पूरा करने की अपनी शक्ति में विश्वास करना। राइटर कहता है हेयर इज द रॉक, यही वो चट्टान है, यही वो आधार है अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव, यही वो आधार है जिस पर आप निर्माण करेंगे जो भी आप अर्जित करोगे, इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, और यही वो आधार है जिस पर आप क्या करेंगे, आप यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, यही वो आधार है जिस पर आप खड़े होंगे और गिरेंगे नहीं। क्या करना है आपको, टू फॉलो, अनुसरण करिए, अंडर ऑल सरकमस्टांसिस, किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में अनुसरण करिए, क्या इसका अनुसरण करना, द हाइएस्ट प्रम्प्टिंग विद इन यू, अपनी अंतर आत्मा, अपने अंतर मन पर, अपनी अंतर आत्मा पर हमेशा विश्वास करिए, टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सोल, और अपनी अंतर आत्मा के प्रति हमेशा सच्चे रहिए। क्या कहता है, टू रिलाई, रिलाई मीन्स विश्वास करना, टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अपने आंतरिक ज्ञान पर विश्वास रखिए, द इनवर्ड वॉइस, इनवर्ड वॉइस मीन्स अंतर मन, अपनी अंतरात्मा, अपने आंतरिक ज्ञान और अपने अंतर्मन की, अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ है उस पर विश्वास रखिए, रिलाई, हमेशा विश्वास रखिए, एंड टू परस्यू योर पर्पस, एंड टू परस्यू माने अनुसरण कीजिए, योर पर्पस मीन्स अपने उद्देश्य का, विद ए फियरलेस, निर्भीक मन से अपने पर्पस का, अपने उद्देश्य का निर्भीक मन से, एंड रेस्टफुल हार्ट, रेस्टफुल हार्ट यानी काम करने की बिना विश्राम किए मन से, निर्भीक मन से अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका अनुसरण कीजिए, बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए दैट फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य में आपके प्रत्येक सोच का आपको परिणाम प्राप्त होगा, एवरी एफर्ट और प्रत्येक प्रयास का आपको परिणाम प्राप्त होगा, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्रयास किया है, भविष्य में आपकी प्रत्येक सोच का और प्रत्येक प्रयास का आपको परिणाम प्राप्त होगा, इस बात का विश्वास करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति निर्भीक मन से, रेस्टफुल हार्ट से और फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट से हमेशा उसकी परस्यू करते रहिए, उसका अनुसरण करते रहिए, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहिए, नोविंग दैट द लॉज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, यह जानते हुए कि लॉज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते, प्रकृति के नियम कभी असफल नहीं होते, एंड दैट योर ओन, और आपका जो अपना है विल कम बैक टू यू, आपके पास आएगा विद मैथमेटिकल एक्टीट्यूड, जैसे गणित के सिद्धांत होते हैं ना, जैसे गणित के नियम होते हैं, दो और दो हमेशा चार ही होते हैं, इसी तरह से इस बात को जानते हुए
के यूनिवर्स के जो लॉज हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, ब्रह्मांड के नियम हैं, कभी असफल नहीं होते, कभी फेल नहीं होते। आपका अपना आपके पास जरूर आएगा, जिस तरह से गणित के नियम होते हैं, दो और दो चार होते हैं, तो आपका जो अपना है, आपने जो प्रयास किया है, उसका परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। जैसा आप थोड़ा सा देखिए फिलोसफिकल कि जो आपने किया है, यदि आपने आम का बीज बोया है तो आपको फल प्राप्त होगा, और यदि आपने कोई कटीला पौधा लगाया तो आपको कांटे प्राप्त होंगे। यानी जो लॉ ऑफ यूनिवर्स हैं वो कभी फेल नहीं होते, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार आपने जैसा बोया है वैसा फल आपको प्राप्त होगा, और ये कभी असफल नहीं होता। क्या कहता राइटर? दिस इज फेथ, यही आस्था है, यही विश्वास है, एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही जीता जागता परिणाम है, यही आस्था है और यही जीता जागता विश्वास है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसी विश्वास की शक्ति से बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति से डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइड, के अनिश्चितता के जो गहरे सागर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं। और क्या होता है? एंड एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, और कठिनाइयों के पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते हैं। यदि आप विश्वास है फेथ एंड किसमें, यूनिवर्स कैन नेवर फेल, आपने जो किया है मैथमेटिकल एक्सटीट्यूड के हिसाब से आपके पास आएगा, तो यदि आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं तो ये विश्वास से जो अनिश्चितता के गहरे सागर हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, और कठिनाइयों के जितने भी पहाड़ आपके रास्ते में आते हैं वो सब क्रम्बल सवे हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। और क्या कहता है राइटर? एंड बिलीविंग सोल पासिस अनहार्म्ड, और उन पर विश्वास करने वाली आत्मा, विश्वास करने वाला मन, अनहार्म्ड मीन्स बिना हानि के लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो ईश्वर में विश्वास करिए, ईश्वर के बनाए हुए नियमों में विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनी शक्ति में विश्वास करिए, अपने कार्य करने की शक्ति में विश्वास कीजिए, अपने अंतर्मन, अपनी अंतरात्मा को हमेशा फॉलो करिए, अपने अंतर्मन और अपने अंतरात्मा के प्रति हमेशा विश्वसनीय बने रहिए, और लगातार निर्भीक मन से अपने उद्देश्य का अनुसरण करते रहिए, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए। यदि आप ये विश्वास करते हुए कि जो आपका प्रत्येक सोच है, प्रत्येक प्रयास है, उसका परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा, और ये भी जानते हुए कि यूनिवर्स के नियम जो हैं वो कभी फेल नहीं होते। स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट था, चैप्टर 3, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरी वीडियो में होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको टाइम से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।